सारी चीजें सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज। क्या हो गया आपको? अरे अब्बा जी, क्या ले आए आप इतना सारा सामान? बच्चियों की पसंद की खाने की चीजें हैं। लाइबा और अलिशबा को पिज्जा और ये बर्गर पसंद है। मार्केट गया था, मैंने कहा इनके लिए लेता चलो। अब्बा जी, आप हॉस्पिटल गए थे चेकअप के लिए या ये सारा सामान लेने गए थे? क्या जरूरत थी लाने की आपको? बेटे, इनके लाड मैं नहीं उठाऊंगा तो और कौन उठाएगा? और कौन सा रोज रोज जाता हूँ लेने के लिए चीजें? कभी कभार ही तो मौका मिलता है इनके लिए कुछ लाने का। आप बैठे ना, बुलाओ इनको। लाइबा, अलिशबा। जी दादाजी, क्या लेकर आए आप? खुद ही देख लो, तुम लोगों की पसंद की चीजें हैं। नहीं, सारी चीजें। लाइबा को भी बुला लो, गरम गरम में भी खा लेगी तो अच्छा रहेगा। लाइबा तो पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं कब से उसको आवाजें दे रही हूँ, कान बंद करके कहीं बैठ गई है, सुनी नहीं रही मेरी बात। वो लाइबा अपने कमरे में ही होगी, मैं उसे अभी बुला कर लेकर आ। अभी वहीं से आ रही हूँ ना, नहीं है वो अपने कमरे में। शाज़िब, तुम कहाँ रह गए थे? वो इबाद की तबीयत ठीक नहीं है तो एनेक्सी में उसका पता करने के लिए गया था। आप तो जानते हैं कि जब वो बीमार हो जाए तो सारा प्रेशर मुझ पर आ जाता, और मैं कॉल करके आता। ओके। ये खुदगर्जी नहीं, बेहिसी भी है। कोई हमारा हर वक्त ख्याल रखे, हमारे एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार हो जाए और हम उसे पूछे तक नहीं। हमें ये बात के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अलिशबा, ऐसे क्या खड़ी हो, जाओ देखो ना कहाँ है लाइबा। जी जी फूफो जी, मैं बुला कर लेकर आती हूँ। नसीमा, नसीमा, ये चीजें उठाओ और इन खाने की चीजों को प्लेट्स में डाल के लेकर आओ। छोड़ो मेरा हाथ। खुद ही मरने का शौक है ना, किसने कहा था वहां जाने के लिए तुम्हें? शुक्र करो भाई जी ने तुम्हें देखा नहीं, थोड़ी देर पहले ही वो वहां से गए थे। पता है मुझे, कितने इत्मीनान से बोल रही हो ना, पता है मुझे। चलो आप मेरे साथ, वरना तुम्हारे साथ ना मेरी भी शामत आएगी। फूफो जी बुला रही हूँ, चलो। चौधरी साहब, मैंने आपसे कहा है ना, ये मेरा मसला है, मैं देख लूंगा इसको। हाँ, अरे मैंने उससे पहले भी बात की है, आप प्लीज परेशान। मैं आपको कॉल बैक करूं? मैं तो आपको बहुत अक्लमंद समझती थी, मगर आप इस कदर अहमक हैं, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? इससे भी बुरे लहजे में आपसे बात कर सकती हूँ। बेहतर होगा कि आप अपना दिल और दिमाग संभाल कर रखिए। ये हिमकाना बात नहीं तो और क्या है? क्या आप मुझसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं? मुझसे? इससे बड़ी हिमकाना बात की मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकती थी। तो इस बात पर तुम्हें इतना गुस्सा है? जानती हो, जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं वो शादी से पहले इसी तरह नखरे दिखाती हैं। बिल्ली के ख्वाब में चीच रही। मिसाल सुनी है आपने? ये मिसाल आप पे बिल्कुल सही फिट होती है। आखिर हर्जी क्या है इसमें?
चार शादियां जायज है मुझे? आपको चार शादियों की इजाजत है, इस बारे में तो बड़ा इल्म है आपको, मगर एक बीवी के क्या हकूक होते हैं, काश आपने वो इल्म हासिल करने की तौफीक की होती। अगर आपने चार शादियों से ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट लिया होता ना, तो आज आपकी बीवी आपसे बहुत खुश होती। देखो उससे शादी कर, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि यह सिर्फ आपका ख्वाब है। शादी कर लो मुझसे, फायदे में रहोगे। फायदा और नुकसान कारोबार में देखा जाता है, रिश्तों में नहीं। एक और बात, मेरे बारे में सोचना छोड़ दे, मैं सिर्फ और सिर्फ रेयान को पसंद करती हूँ और सिर्फ उसी से शादी करूंगी, समझे आप? तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? अगर उसकी तबीयत खराब थी तो वो भाई जी को कहता, वो उसे डॉक्टर को दिखा देते। देखो लाइबा, तुम अच्छी तरह जानती हो इस घर में किसकी क्या हैसियत है। ऐसे मुलाजमों से बेतकल्लुफ होना पप्पू जी को बिल्कुल नहीं पसंद। पप्पू जी को तो ये भी नहीं पसंद कि हम सांस क्यों ले रहे हैं, तो क्या हम सांस लेना छोड़ दें? और ये बात इस घर का मुलाजिम नहीं है, दादाजी ने हमेशा उसे इस घर का फर्ज समझा है। मुंशी जी का बेटा है, वो बचपन से हमारे साथ रहा है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हें बात की इतनी फिक्र क्यों हो रही। घर में और भी मुलाजिम है, कभी किसी और की तो फिक्र नहीं हुई तुम्हें? मुलाजिम मुलाजिम, वो इस घर का मुलाजिम नहीं है। वो जो भी है, जैसा भी है, अच्छा लगता है मुझे, पसंद करती हूँ मैं उसे। शादी कर लो मुझसे, फायदे में रहोगे। क्या तुम्हें बात के लिए वाकई संजीदा? हाँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो लाइबा? तुम्हें बात के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये नामुमकिन है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्या मुमकिन है और क्या नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं वाकई ये बात से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और अभी से नहीं, बचपन से करती हूँ। और किसी को चाहना इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होता, इसलिए प्लीज मुझे ये मत कहना कि मैं उसे अपने दिल से निकाल दूँ। लाइबा, भाई जी या फूफा जी को पता लग गया ना तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है ना? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम कितना खतरनाक खेल खेल रही हो। लाइबा, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। दादाजी, बस मुझे नहीं पता, आप मेरा मुस्कान से अब निकाह करवा दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि इसी जुमे को करवा दे। शादी ब्याह के मामलात इतनी उजलत में नहीं पहुंचे जाते, इनमें वक्त लगता है, सारी जिंदगी का मामला होता है। अभी तो मैंने मुस्कान से इस सिलसिले में कोई बात भी नहीं की है। मुस्कान से बात करने की क्या जरूरत है आपको? अरे वो तो छोटी बच्ची है, उसे अपने अच्छे बुरे की क्या तमीज। देखिए दादाजी, आप मुस्कान से पूछेंगे भी तो वो कहेगी कि मैं रेयान से शादी करना चाहती हूं। ना जाने कब से ये लोग आशिकी माशूकी का चक्कर चला रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची,
हमारे नाक नीचे पूरा गेम कर गई और हमें पता तक नहीं चला। शाहजेब, जो होना था वो हो गया। मुस्कान अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे पूछे बगैर मैं उसकी जिंदगी का फैसला नहीं करूंगा। एक बात कहूं आपसे, अगर आपने रियान की शादी मुस्कान से कर दी ना, तो इससे बड़ी बेगैरती की बात भी नहीं होगी। होश में रहकर बात करो, इस वक्त तुम अपने बाप के सामने नहीं, अपने बाप के सामने बैठे हो। सोच समझ कर बोला करो। माफ कीजिएगा दादाजी, हाँ लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया बोलेगी। क्या कहेंगे लोग? खुद सोचिए, जब लोगों को पता चलेगा कि हमीद साहब ने अपने पोते और पोती की शादी सिर्फ इस वजह से करवाई क्योंकि उनके बीच में आशिकी चल रही थी, तो क्या इज्जत रहेगी इस खानदान की? और वैसे भी आज इस खानदान की एक लड़की को अपना आशिक मिला है, कल को दूसरी भी उसको देकर शह पकड़ेगी, तब इस खानदान की बदनामी का अगर कोई जिम्मेदार होगा ना, तो आप होंगे। रेयान साहब उठे, मैं खाना लाई हूँ आपके लिए। क्या हुआ? मुस्कान बीबी कब से उठा रही हूँ रेयान साहब को, उठ नहीं रहे। मुझे लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है। रेयान को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। रेयान खाना खा लो, टैबलेट लेकर आऊँ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं खानी टैबलेट, जाओ तुम। आप एक काम करें, खाना वापस ले जाए, एक बॉल ले उसमें ठंडा पानी लेकर आइएगा और साथ पट्टियाँ भी। मैं रियान के माथे पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती हूँ। जी ठीक। और एक और काम कीजिएगा, फूफो से थर्मामीटर ले आइएगा, बुखार भी चेक करना है। ठीक है, अभी लाती हूँ। तो नहीं, इतना तेज कैसे हो गया बुखार? ठीक हूँ मैं। नजर आ रहा है कि कितना ठीक हो, अब खामोश रहो। अजीब जबरदस्ती है। हाँ है, रोक सकते हो तो रोक लो। अब्बा जी, शाहजेब बिल्कुल ठीक कहता है, इस तरह की हरकतों के बाद तो हमारे खानदान में बगावत और रुसवाई फैलेगी, और मुस्कान की शादी रियान से करवाने का ये मतलब है कि आप उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब्बा जी देखिए, इस तरह से हमारे खानदान में पहले कभी नहीं हुआ। हमारे खानदान की तो अपनी बड़ी रिवायात है जिन पर सब फख्र करते हैं। उन लोगों को जब ये पता चलेगा कि हमारे खानदान में ये सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या इज्जत करेंगे हमारी? कबा जान, सच पूछो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुस्कान ने मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। अब्बा जी, इस आजमाइश से निकलने का एक ही हल है, आप मुस्कान का निकाह शाहजेब से कर दें। ऐसे कैसे हो सकता है? शाहजेब तो समझता है कि मुस्कान की गलती नहीं, गुनाह है। अब्बा जी, अगर शाहजेब ये समझता है ना, तो बिल्कुल ठीक समझता है, क्योंकि उसको पता है कि एक औरत की गलती उसके खानदान के लिए उसकी शर्मिंदगी का बाइस बनती है। और शाहजेब को यह भी पता है कि हमारे खानदान के रस्म और रिवाज क्या है। वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि हमारे खानदान में बीवियां किस तरह रखी जाती। तो बेहतर ये होगा कि आप शाहजेब के हक में फैसला दें। कमर जहां, मैंने जिंदगी में बड़े बड़े मसाइल हल किए, बड़े बड़े फैसले किए, लेकिन ये फैसले करते हुए पता नहीं क्यों मेरा दिल मुतमैन नहीं हो रहा। दादाजी,
शुक्रिया बेटा। मेरी अम्मी कहती थी, दूसरों की परवाह किए बगैर अपनी दिल की सुनकर जो फैसले किए जाते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, फिर पूरी जिंदगी उन फैसलों पर पछताना नहीं पड़ता। तुम्हारी वालदा ठीक कहती थी, दिल से किए हुए फैसलों पर पछताना नहीं पड़ता। तबस्सुम, किचन पे ध्यान दो, बहुत गंदा हो रहा है। जी। मुस्कान, 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 ऐसे बैठे बैठे क्यों सो गई? थक गई होगी, कमरे में जाके आराम कर। मैं ठीक हूँ, बुखार कैसा है तुम्हारा? मैंने इतना ख्याल रखा है, कैसे ठीक नहीं होता? सही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू इतना ख्याल रखने के लिए। आ जाए भाई, आप नाश्ता ला दे। मुस्कान, में नाश्ता कर लूंगा, तुम जाओ कमरे में आराम करो। अच्छा, ये उठा के ले जाए। जी भाई। हाँ सुनो। जी जी भाई जी। क्या कर रही थी रियान के कमरे? वो भाई जी, रियान साहब की रात से बहुत तबीयत खराब थी, मुस्कान बीबी तो यहीं पर थी रात से, बहुत तेज बुखार हो रहा था रियान साहब को, अब अल्लाह का शुक्र उनकी तबीयत बेहतर है। अच्छा अच्छा, जाओ। जी भाई जी। ये बात जी, अलिश्पा जी कहाँ जा रहे हैं? अलिश्पा जी, ये किताबें मुझे लाइबा जी ने पढ़ने के लिए दी थी, मैंने पढ़ ली हैं तो उन्हें वापस करने जा रहा था। तो मैं जो भी काम हुआ करे तुम फूफो जी से कहा करो। आप गलत समझ रही हैं अलिश्पा जी, मैंने ये किताबें उनसे मांगी नहीं थी, उन्होंने मुझे खुद दी थी पढ़ने के लिए। लाओ मुझे तो, मैं खुद दे दूंगी लाइबा को। पूरा दिन ऐसे ही घर में घूमते फिरते रहते हो जैसे ये तुम्हारा घर हो। इंसान को ना अपनी हैसियत देकर कदम बढ़ाने चाहिए। आप क्या कह रही हैं अलिश्पा जी, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ भी नहीं, अब जाओ तुम। सुनो, देखो ये बात, तुम इस घर को हमसे ज्यादा बेहतर जानते हो, इसलिए खुदा के लिए तुम हम पर रहम करो, और अगर हम पर रहम नहीं आता तो खुद पर रहम कर लो। अब तुम जाओ यहां से। मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ, आपको रोजाना एक्सरसाइज करना होगी दिन में 3 बार। डॉक्टर, रियान को आपके पास कब आना होगा?
नहीं अब उसकी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत हो तो ये आ सकता है। अच्छा मुझे इजाजत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। इन्हें बाहर तक छोड़ा है। फाइनली काफी बेहतर है। फाइनली बस ये थोड़ा सा इधर जॉइंट में। क्या कर रही हो तुम यहां पर? तुम्हारा क्या काम गैर मर्दों में? मैं तो सिर्फ डॉक्टर से बात करने के लिए आई थी। इस घर के मर्द मर गए हैं क्या जो अब तुम्हें बात करनी पड़ेगी? और तुम, चलो ये लड़की तो नहीं है लेकिन तुम्हें तो इस घर के रस्म और रवाज का पता है ना? तुम्हारे अंदर कोई अकल है, कोई शर्म हया है जो इसे खड़ा किया हुआ तुमने बात करने के लिए? मुस्कान, तुम जाओ। भाई जी मेरी सारी दवाइयों का सिर्फ मुस्कान को पता है, इसीलिए वो यहां मौजूद थी। आपको जरूरत नहीं थी इतने सख्त लहजे में उससे बात करने की, और उसकी इज्जत का आपसे ज्यादा मुझे ख्याल है। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? जानते हो मैं कौन? तुम्हारा बड़ा भाई। जी भाई जी, माजरत के साथ, लेकिन बड़ों को बड़ा बनकर दिखाना पड़ता है। सिर्फ बड़ा होने से ना कोई बड़ा बन नहीं जाता। प्लीज अपने दिल की बातें मत कहने लग जाइएगा। वैसे ये फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, स्पेशली ये पिंक वाला। मगर इसमें तो कोई पिंक फ्लावर है ही नहीं। हेलो, मैं अनस बात कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप मुझे पहचान गए होंगे। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? लगता है आप भूल गई हैं। आपका फोन पहले मेरे पास था, वहीं से लिया आपका नंबर। आपने मुझे इतनी रात में कॉल क्यों किया? लगता है आपको मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगा। अलिश्पा, इतनी रात को किससे बातें कर रही हो? वो जी, रॉन्ग नंबर आया था। रॉन्ग नंबर था तो फोन उठाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मना भी किया था मैंने अब्बा जी को कि लड़कियों को फोन नहीं देना है, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब खड़ी क्या हो, जाओ अपने कमरे में। भाभी, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ
कि मेरी जात से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मैं अगर रियान से मोहब्बत ना भी करती, भाई जी में चाहे लाखों गुण क्यों ना होते, मैं फिर भी आपका घर उजाड़ने का सोच भी नहीं सकती। मेरी तरबियत में लोगों का घर आबाद करना तो है, लेकिन किसी का घर उजाड़ना नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मुस्कान, शाहजेब जैसी बहन मेरे शौहर है और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, चाहे वो मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल समझे या ना समझे। सच बताऊं तो मैं जब भी आपको देखती हूँ मुझे भाईजी पे बहुत हैरत होती है कि उन्हें आप जैसे बेबी की कदर नहीं है, इंतहाई नाशुक्र इंसान है। नहीं ऐसा ना कहो मुस्कान, तुम उनके लिए दुआ करो, मेरे लिए भी दुआ करो मुस्कान, कि अल्लाह पाक मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। जी भाभी मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, अब बस बाकी सारी चीजों से बेफिक्र होकर अपना और आने वाले मेहमान का ख्याल रखिए, ठीक है? मुस्कान बीबी आपको बड़े साहब ने बुलाया है। जी मैं आती हूँ। दादाजी जो सजा आपने मेरे माँ बाप को पसंद की शादी करने पर दी थी, अगर आप मुझे भी वही सजा देना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप मुझसे किसी भी किस्म की मुनाफकत की उम्मीद ना रखें, जो मेरे दिल में होगा वही मेरी जुबान पर होगा। मेरे बाबा ने मुझे दिल से रिश्ते बनाना सिखाया है, मतलब से नहीं। कमर जहां ने ठीक कहा था कि तुम्हारे खून में बगावत शामिल है। अपने हक के लिए लड़ना बगावत नहीं, जिहाद होता है। दादाजी हसन की शादी करना गुनाह तो नहीं है, गुनाह तो तब हो जब इंसान अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी किस्म का नाजायज रास्ता इख्तियार करे जिससे खानदान की भी बदनामी हो। दादाजी पसंद की शादी करने का इख्तियार तो इस्लाम ने भी हमें दिया है, अगर ये गुनाह होता तो इस्लाम हमें इसकी इजाजत क्यों देता? बताएं क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें सीखी कहां से, जबकि तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है। इंसान अपनी उम्र से नहीं तजर्बे से सीखता है। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी मनमानी करोगी? नहीं मैं आपकी मर्जी मान लूंगी, अगर रियान से शादी करने में आपकी मर्जी शामिल नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। कि मैं शाहजेब से शादी कर खुद को या आपको कोई धोखा नहीं देना चाहती। सुनिए वो डॉक्टर ने एक महीने के बाद चेकअप के लिए बुलाया था, एक महीने से ज्यादा हो गया, आप चलेंगे मेरे साथ?
तबस्सुम, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। पप्पो के साथ चली जाना। कल कहा था मैंने उनसे, पर उन्होंने तो मना कर दिया। तो जब उनके पास वक्त होगा तुम्हें ले जाएंगे, इतनी परेशानी किस बात। भाई जी, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। उनसे कहो शाम में आकर मिलो, अभी जा रहा हूँ। भाई जी, आपको और तबस्सुम बाजी को, दोनों को बड़े साहब ने बुलाया है, बल्कि सभी घर वालों को बुलाया है। ये इस तरह से हम सबको क्यों जमा किया हुआ है? तुम्हारी बात हुई है शाहजेब अब्बा जी से? पता नहीं क्यों बुलाया। पप्पू जी, मुझे लग रहा है दादाजी को अपनी वसीयत का ऐलान करना है। मैंने फिल्मों में देखा है, जब भी किसी को अपनी वसीयत का ऐलान करना होता है ना, तो ऐसे ही सब फैमिली वालों को बुलाते हैं। तुमसे पूछा है मैंने जो तुम मुझे बता रही हो? आओ मुस्कान, आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो, बैठ जाए, बैठो कमर जा, बहू बैठ जाओ। मुस्कान, तुम भी यहाँ बैठो। बैठो। अब्बा जी, सब खैरियत तो है? आपने हम सबको इस तरह से जमा किया हुआ है, कोई बात करनी है क्या? बहुत ही खास बात, बहुत अहम बात है। आज सबको मैंने इसलिए बुलाया कि आज ये बड़ी यादगार तकरीब है। मेरे पास तुम्हारी वालदा की ये वाहिद निशानी बची है। ये अंगूठी हमारी शादी के मौके पर मेरी वालदा ने तुम्हारी वालदा को पहनाई थी। ये हमारी खानदानी निशानी है और अब मैं चाह रहा हूं कि यही अंगूठी तुम मुस्कान को पहनाओ। और इसी महीने में रियान और मुस्कान का निकाह कर रहा हूं। अब्बा जी, मैं, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, ये तो बहुत खुशी का मौका है। अंगूठी पहनाओ तुम अपनी तरफ से। आजा बेटा। मुबारक हो बेटा, रियान तुम्हें भी मुबारक हो। शुक्रिया दादा। मुबारक हो भाई, शुक्रिया। बहू, इस खुशी के मौके पर सबको चाय तो पिला दो, मिठाई मैंने मंगवा ली है, नसीमा से कहो के वो भी लाके सबको पिला। जी दादाजी, अभी लेकर आए। शाहजेब, क्या आपने क्या किया?
कम से कम आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कैसी बातें कर रहे हो तुम शाहजेब? दादाजी, रियान का रिश्ता मुस्कान से कर दिया और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? तुम मेरा यकीन करो, मुझे इस बात का कुछ इल्म नहीं। मैं तो खुद ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अब्बा जी ने इस तरह अचानक यूं फैसला ले कैसे लिया। रहने दीजिए पापा, आप मुझे कह रही हैं कि दादाजी ने इतना बड़ा फैसला आपसे पूछे बिना किया? आज से पहले कितने ऐसे फैसले हुए जो आपसे पूछे बिना किए गए हों? शाहजेब, मेरा बस चलता ना तो मुस्कान की शादी तुमसे ही करवाती। मुझे तो ये सोच सोच के परेशानी हो रही है कि मुस्कान इस हवेली की बहू तो बन रही है लेकिन वो तुम्हारी नहीं बल्कि रियान की बीवी होगी और तुम रियान के मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ हो। वो तो जोरू का गुलाम होगा। होगी, हुई तो नहीं है ना?